जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर सगेसिटी। एंड आज हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड ELLT प्रेजेंटेशन के एक लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक काफी डिफरेंट टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है जो पिछले टॉपिक से मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इसमें डबल आर्ग्यूमेंट तरह का या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होता था। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये थोड़ा यूनिक है और इसका टॉपिक है व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हैविंग अ हेल्दी लाइफ। अब इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओपिनियंस के हिसाब से बातें अलग हो सकती हैं, बट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के जो काफी जनरल बातें और जो सब लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं। पहले मैं प्रिसाइसली फॉर्मेट हमेशा की तरह बता दूं, आपका टेस्ट स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले आपको टॉपिक मिलेगा आपके पोर्टल के अंदर, वहां से आपने उसको प्रिपेयर करना है जाहिर है। एंड 15 मिनट्स बाद जो है टेस्ट स्टार्ट होगा तो फिर वहां पे आप ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक एंड पार्ट वन एंड उसके बाद फिर पार्ट टू आएगा। जब पार्ट टू आएगा तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपका टॉपिक क्या था, तो जाहिर है कि आप बताएंगे वेल द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज द थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हैविंग अ हेल्दी लाइफ एज पर माई ओपिनियन। फिर उसके बाद वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो हमेशा दिया करते हैं, 3 से 5 मिनट बोलना है एंड स्क्रीन पे नहीं देखना, नोट्स पे बहुत ज्यादा नहीं देखना, कैमरे में देखना है। ये फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनकी वजह से आपके स्कोर पे फर्क पड़ सकता है अगर आप नहीं देखते कैमरे पे। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि या बहुत ज्यादा नोट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या बहुत ज्यादा स्क्रीन्स पे अगर देख रहे हैं या समटाइम्स वो जो राइट साइड पे जो एग्जामिनर किसी विंडो में नजर आ रहा था उसको देख रहे हैं तो उससे भी स्कोर पे नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए ज्यादातर आपने कैमरे में देखना है। सो फॉर दैट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू प्रैक्टिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब यहां पे आप शुरू करेंगे कि जब वो आपको अलाउ करेगा, आई विल नाउ बिगिन माय प्रेजेंटेशन एंड टुडे आई एम गोइंग टू about the three important factors for having a healthy life as per my opinion. और फिर उसके बाद आगे आप शुरू करेंगे तो वो तीन फैक्टर्स क्या हैं जिनको आपने मेंशन करना है वो अभी मैं बताता हूँ, लेकिन याद रखना कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा का सारा आंसर विद बुलेट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस रखा हुआ है, यू कैन एक्चुअली चेक फ्रॉम दैट। सो जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी आंसर जो है वो लिखे हुए, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर विद एक्सप्लेनेशंस। तो जाहिर है कि आप उसको अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं और आइडिया एक्सप्लेन वहां से देख के अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि क्या वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला है हैविंग अ हेल्दी डाइट, यानी कि हेल्दी डाइट जो है वो सबसे फंडामेंटल फैक्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जब तक डाइट हेल्दी नहीं होगा तब तक इंसान की बॉडी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकती। जाहिर है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कभी हमें ग्लूकोज की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, समटाइम्स इवन फैट्स की भी जरूरत है, शुगर की जरूरत है, तो ये सारी चीजें मतलब हमारी बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने करना ये है कि इस बात को एक्सप्लेन करना है कि जनरली क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैविंग हेल्दी डाइट और हेल्दी डाइट से हमारा मतलब क्या है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है क्योंकि हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं, तो कम से कम एक पॉइंट को हमें 2 मिनट तक एक पॉइंट के ऊपर बात करने की एबिलिटी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो हमें कम से कम 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट के ऊपर बात करनी चाहिए क्योंकि पॉइंट्स ही टोटल 3 बताने तो फिर तो और कुछ बात बचती नहीं है इसके अंदर जिसकी हम उम्मीद पे हम प्रेजेंटेशन को शॉर्ट करें। तो 2 मिनट जब आप एम करेंगे तो इवन इफ यू फॉल समवेयर अराउंड 1 मिनट 40 सेकंड्स 1 मिनट 45 सेकंड्स तो फिर भी आप आराम से 5 मिनट तक पहुंच सकते हैं। अगर 5 मिनट नहीं भी पहुंचते, सपोज इफ यू फॉल समवेयर बिटवीन 4 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स तो इवन देन इट्स फाइन, यानी 4 मिनट प्लस भी हो गया तो मतलब इट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये कि अगर आप बहुत मुख्तसर तैयारी करते हैं, सपोज 1-1 मिनट की तैयारी करते हैं, तो फिर खतरा ये है कि 3 मिनट भी शायद ना पहुंच सकें क्योंकि अगर आप तैयारी 1 मिनट की कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि वहां जाके कुछ चीजें आपके जहन से निकल जाएं, इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। सो हम बात करते हैं अभी हेल्दी डाइट की। सो हेल्दी डाइट से बेसिकली मुराद है बैलेंस्ड डाइट जिसके अंदर बहुत must be a variety of different type of food items. For example, इसके अंदर dairy products होनी चाहिए, इसके अंदर fish होनी चाहिए, meat होनी चाहिए, depending on whether a person is vegetarian or not. अगर vegetarian भी है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा vegetables की variety होनी चाहिए, फिर उसके अंदर proteins होनी चाहिए, फिर उसके अंदर beans होनी चाहिए, और उसके अंदर फिर ज़्यादा vegetable की जितनी variety हो उसके अलावा fruit की भी variety होनी चाहिए, और not only local foods but आजकल you can also refer to the idea of food being exported around the globe, especially fruit. तो उसमें आप उसकी भी बात कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रूट जो है वो बाहर से इतना नहीं पहुंचता बिकॉज शायद इंपोर्ट इतना नहीं है, लेकिन जो कैंड फ्रूट्स हैं जो फ्रूट कॉकटेल की शक्ल में कैंस में मिलते हैं दैट इज अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो आप उसके रेफरेंस में अपनी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जब भी मुझे जरूरत फील होती है या अगर क्रेविंग्स भी होती हैं तो आई डू गेट देम। तो उसमें आप इसमें एक दो बातें और हैं कि बैलेंस डाइट से मुराद ये है कि
एक से ज़्यादा टाइप के फूड आइटम्स हो रही है आज की दुनिया में, पॉसिबल भी है क्योंकि ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट होता है फूड अराउंड द ग्लोब। और इसमें एक और बात भी याद रखना कि यू शुड ऑल्सो कंसिडर द वेदर एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। कुछ एरियाज जो हैं वो काफ़ी सर्द एरियाज हैं, ठंडे इलाके हैं, तो वहाँ के लिए फूड ज़ाहिर है कि अलग तरह का होगा, उसके लिए भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जो गर्म इलाके हैं उनके लिए अलग से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक्सप्रेशन रख दी हुई है। सो द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर हैविंग हेल्दी लाइफ इज ऑफ कोर्स रेगुलर एक्सरसाइज। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज का लफ्ज जो है ना, इसमें रेगुलर का लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडजेक्टिव, क्योंकि अगर कोई शख्स एक्सरसाइज करता है बट ही इज नॉट रेगुलर, ही इज नॉट फ्रीक्वेंट, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर सपोज अ पर्सन गोज टू अ जिम कंटिन्यूसली फॉर 10 डेज एंड देन ही डजंट गो देयर फॉर द नेक्स्ट 15 टू 20 डेज, देन ऑफ कोर्स ये काफी डैमेजिंग है। तो इस एरिया को भी कवर करें, क्योंकि हमने बात को जितना लंबा करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट के हिसाब से एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ के लिए। अगर कोई शख्स हेल्दी फूड बैलेंस डाइट खाता भी है, इवन देन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो फिर भी अननेसेसरी वेट जो है वो गेन कर सकता है, और उसमें बहुत ज्यादा फैट्स जो है वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर, जिससे खतरात हो सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज अब दो तरह की होती है, एरोबिक भी हो सकती है और वेट लिफ्टिंग के हवाले से भी हो सकती है। आप इसमें बेहतरीन ओपिनियन होगा कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इसमें जॉगिंग शामिल है और जिम जाना, एंड द बेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज वुड बी स्पोर्ट्स, यानी किसी भी तरह का स्पोर्ट्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज की पॉसिबिलिटीज हों। इसमें आप टेनिस की बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट फुटबॉल एंड क्रिकेट एज वेल, हॉकी की बात कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें ये चीज़ें हों। उसके अलावा भी कुछ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हाइकिंग है, क्योंकि हाइकिंग जो है वो एक फन एक्टिविटी होने के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज का भी तरीका है। तो इसको आप मैंशन करें और हमेशा पर्सनल एग्जाम्पल्स के जरिए अपने आंसर को स्ट्रेंथन करें। पर्सनल एग्जाम्पल इस तरह से हो सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि आप कितनी मरतबा हाइकिंग पे गए हैं और कहाँ कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं और जाते रहते हैं, और ये हॉबी आपकी कैसे है। और इसमें आप अगर फेक करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि आप एक क्लब के साथ एसोसिएटेड हैं जो इस तरह के हाइकिंग के जो इवेंट्स हैं वो अरेंज करता रहता है, ऑर्गेनाइज करता रहता है। सो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट तीन फैक्टर्स में से एक है, और ये हमें हमेशा लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज गेटिंग सफिशिएंट स्लीप, यानी कि इनफ स्लीप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये इसलिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल रेमिफिकेशंस भी हैं अगर इनफ स्लीप ना ली जाए। इससे स्ट्रेस, एंग्जायटी और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इसका आउटकम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 6 या 5 घंटे बमुश्किल सो सकता है उसकी रूटीन में, तो वो जो लैक ऑफ इनफ स्लीप है, अपेरेंटली उसकी जो बॉडी है वो एक अकस्टम्ड टू हो जाती है, यूज टू हो जाती है, लेकिन वो अपेरेंटली हो रहा होता है, एक्चुअली अंदर से जाहिर है कि काफ़ी डैमेजिंग है। अगर कोई भी शख्स 7 to 9 आवर्स स्लीप नहीं लेता एक दिन के अंदर, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए इसका बेहतरीन तरीका यही है कि एक रूटीन सेट किया जाए, ये मतलब बताना है हमने, ताकि एक हेल्दी लाइफ जो है वो हो सके। और इसके अंदर आप बता सकते हैं कि केस स्टडीज बता सकते हैं, किसी रिसर्च वगैरह का रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो हमेशा पर्सनल एग्जाम्पल होती है, क्योंकि उसको याद करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, यानी उसको आप फेक कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह आप मिस कोट कर सकते हैं इसलिए भूलने की वजह से। इसलिए बेहतर है कि आप पर्सनल एग्जांपल बयान करें। आप बता सकते हैं कि किस तरह से जब आप अपने स्कूल के या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप का शिकार थे, क्योंकि आप यू वर एक्चुअली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो उस वजह से आप काफी वेट लूज कर गए थे और काफी वीकनेस आप में आ गई थी, और ये तो बाद में आपको पता चला कि आपके एग्जाम में जो बुरी परफॉर्मेंस थी, वन ऑफ द रीजंस वाज बेसिकली नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। तो फिर बाद में आपको ये रियलाइज हुआ बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, तो फिर आप अगले जो आखिरी के जो एक दो सेमेस्टर्स थे या टर्म्स थे, तो उसमें आपने अपनी नींद को सेक्रीफाइस नहीं किया, जिसकी वजह से आप बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इससे आप ये नतीजा अखज करेंगे कि प्रोडक्टिविटी जो है और एफिशिएंसी जो है हमारी, वो भी नींद काफ़ी ना होने की वजह से बुरी तरह मुतासर हो सकती है। तो तीन बुनियादी फैक्टर्स जो हैं उनको आखिर में समअप करें कि मैंने तीन फैक्टर्स बताए, हैविंग ए बैलेंस डाइट, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड देन गेटिंग इनफ स्लीप। सो इन द एंड आप उसको एक समअप भी करें। समअप करने का सिंपल तरीका यही है कि आप कहें कि इन अ नटशेल, इन माय ओपिनियन देयर आर 3 फंडामेंटल फैक्टर्स, ऑल्दो देयर आर मोर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर 3 ऑफ देम, एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑफ कोर्स हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेटिंग इनफ स्लीप। फिर इसमें आप बताएंगे कि ये तीन फैक्टर्स अगर पूरे हों तो एक हेल्दी लाइफ जो है वो कोई भी शख्स गुजार सकता है। तो इनको मैंने एक्सप्लेन ज्यादा करने का इसलिए मैंने कहा ताकि
वो 5 मिनट पूरे हो सकें. अभी बाकी प्रेजेंटेशंस और इस प्रेजेंटेशन में फ़र्क ये है कि बाकी प्रेजेंटेशंस में आप 15-20-25 पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं, और उनमें से अगर हर पॉइंट के ऊपर 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड भी अगर आप बात करते हैं तो फिर भी आप अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं. लेकिन यहाँ पर मसला ये है के टोटल फैक्टर्स ही 3 मांगे गए हैं. जब 3 ही फैक्टर्स मांगे गए हों तो जाहिर है कि हर फैक्टर को अलग से डेवलप करना है, अलग से एस्टेब्लिश करना है. सो डिस्क्रिप्शन में पूरा आंसर मौजूद है, अपने हिसाब से उसको ढालना चाहें ढाल सकते हैं, उसको कॉपी करना चाहें कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच. बाय फॉर नाउ.